अच्छा जी, तो अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करने जाते हैं तो लिखा हुआ आता है कि गेमिंग फीचर आर नॉट अवेलेबल फॉर द विंडो डेस्कटॉप और फाइल एक्सप्लोरर, तो आपने बहुत सारी वीडियो भी यकीनन देख ली होंगी जिसमें आपको मुख्तलिफ तरीके बताए होंगे कि मीडिया फीचर पैक डाउनलोड कर लो वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब में नाकाम हो चुके होंगे और कोई आपको हल नज़र नहीं आया होगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान, मैं आपके लिए हल लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो 100% आपका मसला हल कर देगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने इसको छोड़ देना है, ये जो आपका वीडियो रिकॉर्डर है आपने सिंपल जाके इसको बंद कर देना है। मैं जा रहा हूँ इसको बंद करने, ठीक है? सबसे पहले आपने जाना है, ये जो आप यूज़ कर रहे हैं कैप्चर, स्क्रीन कैप्चर का, आपने इसको सिंपल जाके आपने बंद कर देना है। इससे आपने जान छुड़ा लेनी है अपनी, ठीक है? ये मैं बंद करने जा रहा हूँ, ये मैंने बंद कर दिया और इसको भी मैंने बंद कर दिया, ठीक है? अब ये चक्कर मीडिया फीचर का ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब एक और टॉपिक जो स्टार्ट होता है, आपने सबसे पहले जाना है गूगल क्रूम में, ठीक है? आपने अपना गूगल क्रूम ऑन कर देना है। जब आप गूगल क्रूम ऑन करेंगे फिर आपने गूगल के सर्च बार में जाके टाइप करना है कैप्चर स्क्रीन रिकॉर्डर टूल rocket.com, ये आपने पूरा लिखना है, ठीक है? ये rocket.com जो है ये एक वेबसाइट है जो ये सॉफ्टवेयर फ्राहम कर रही है आपको। तो आप जब ये पूरा लिखेंगे तो ये आपको पता है कि जब आप सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आती हैं, तो आपको फिर ढूंढना मुश्किल होता है, आपको शॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने इस तरह से पूरा लिख देना है और इंटर कर देना है, ठीक है? अब ये देखें, अब भी मेरे पास काफ़ी सारे वेबसाइट्स खुल गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ नीचे आना है, आपको दिख गया होगा टूल रॉकेट, और इसका ये लोगो आप याद रख लें, ठीक है? आपने यही वाला डाउनलोड करना है, ठीक है? ये मैंने कैप्चर किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आपने इसको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, ये लिखा हुआ है हाउ टू रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियो ऑन माई PC एट्सेट्रा, जो भी है। खैर, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? ये फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन मैं इस पर क्लिक करने यूँ नहीं जा रहा कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इसी सॉफ्टवेयर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है? जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने यहाँ 3 डॉट पे आके डाउनलोड में चेक कर लेना है। मैं देख लेता हूँ, ये देखें इस तरह से ये आपके पास आएगा, इसका लोगो देख लें, ठीक है? अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो फिर आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आपने सिंपल इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देना है, ठीक है? जब आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इस तरह का आइकॉन फिर आपके पास आ जाएगा इसका, ठीक है? आप इसको डेस्कटॉप पे ले आना ताकि इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकें। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ टूल्स के बारे में। आप चाहें तो इन टूल्स को ना छेड़ें, इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग बिल्कुल अच्छी हुई होती है। जैसे सबसे पहले इस टूल में आपको मैं दिखाता हूँ, ये नज़र आ रहा है फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन के जब आप क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं फुल स्क्रीन एरिया, कैमरा वगैरह वगैरह, इसमें फुल स्क्रीन डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है। ये दूसरा टूल है सिस्टम का, इसमें आप चाहें तो अपने माइक को, सिस्टम में माइक का है, माइक को आप म्यूट कर सकते हैं और या आप रिकॉर्डिंग करते हैं माइक को ऑन कर रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो इसका तीसरा टूल है वो HD, अगर वीडियो आप कौन सी बनाना चाहते हैं, HD बनाना चाहते हैं, SD बनाना चाहते हैं, हाईएस्ट बनाना चाहते हैं, ये HD डिफ़ॉल्ट होता है, आप HD रहने देना है आपने, ठीक है? चौथा जो है वो आपका आता है MP4 का, आपने वीडियो कौन सी बनानी है या FLV बनानी है, MP4 डिफ़ॉल्ट होता है, आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। ये जो आखिरी है, ये जो है इसका टूल, ये है कैम, उसका वेब कैम का, ठीक है? जब आप वेब कैम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें होता यूँ है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो साइड पे आपकी वीडियो भी बन रही होती है आपके कैमरे से, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो वेबकैम, ये डिफ़ॉल्ट क्लोज होता है, आप चाहें तो ऑन कर लें, नहीं तो क्लोज रहने दें इसको। अच्छा जी, अब जब सवाल आएगा कि हमारी वीडियो सेव होके कहाँ जाएगी, तो ये आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा माइक कैप्चर, ठीक है? आप माइक कैप्चर पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो ये सामने आपको दिख रही है जो डाउनलोड हो चुकी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके काम आया तो आप पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।